तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देखो और सीखो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रू जैक में वॉशर कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सॉलिड एज ओपन कर लीजिए और आईएसओ पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। आईएसओ पार्ट में जाके टूल्स में ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए, फिर भी यहाँ से बेस रेफरेंस प्लान को ऑन कर लीजिए और बेस को ऑफ कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमको वॉशर का स्केच दिया हुआ है, जिसमें इसमें इसकी टोटल जो डायमीटर है वो हमको 14.5 दी हुई है। सॉरी, इसकी जो टोटल डायमीटर है वो हमको 35 दी हुई है, और इसकी जो होल है, जो कि एक काउंटर सिंक होल है, उसकी स्मॉलर डायमीटर हमको 14.5 दी हुई है, और काउंटर सिंक डाया 25 दी हुई है, और काउंटर सिंक एंगल हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, और इसकी हाइट जो है वाशर की उनको 8 mm दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो सॉलिड एज दोस्तों, आप एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट कीजिए, एक्सट्रूड कमांड में जाके टॉप प्लेन सेलेक्ट कीजिए, सर्किल सेलेक्ट कीजिए, और 35 mm डायमीटर का एक सर्किल यहाँ पर प्लेस कीजिए और क्लोज स्केच कर दीजिए। तो हमको इसकी हाइट 8 mm दी हुई है, तो 8 mm सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, ये 8 mm का हमारे पास सर्किल सॉलिड आ गया है। अब दोस्तों, हमें इसमें होल काउंटर सिंक होल क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप होल कमांड में जाइए, प्लेन सेलेक्ट कीजिए, अब होल में यहाँ पर डायमेंशन में जाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर सिंक सेलेक्ट कीजिए। तो हमें जो इसकी जो स्मॉलर डाया है वो हमको 14.5 दी हुई है, और काउंटर सिंक डाया हमको 25 दी हुई है, और जो काउंटर सिंक एंगल है वो हमको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये डायमेंशन हम दे देते हैं। स्मॉलर डाया हमको 14.5 दी हुई है, काउंटर सिंक डाया हमको 25 दी हुई है, और काउंटर सिंक एंगल हमको 90 दिया हुआ है। सिंपली ये डायमेंशन देके ओके कर दीजिए, और इसको यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पे प्लेस कर दीजिए और क्लोज स्केच कर दीजिए। अब इसको बॉटम डायरेक्शन में सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा काउंटर सिंक होल आ गया है। काउंटर सिंक होल हमने इसलिए क्रिएट किया है, जो कि हमका सीएस के स्क्रू है वो इस काउंटर सिंक में प्लेस हो सके, इसलिए हमने यहाँ पर काउंटर सिंक होल क्रिएट किया है। तो दोस्तों, आप एक और चीज़ दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हल्का सा राउंड किया हुआ है, जिसकी हमें रेडियस नहीं दी हुई है। तो जब हमको रेडियस नहीं दी हुई होती तो हम वन सेलेक्ट करते हैं, वन लेते हैं। तो होल राउंड में जाइए, राउंड सेलेक्ट कीजिए, तो वो यहाँ पर 1 mm सेलेक्टेड है, तो इंटर कर दीजिए। तो ये हमारा पूरी तरह से वाशर बन चुका है। अब इसे सेव कर लेते हैं, सेव में जाइए, पार्ट 5 वाशर, और सेव कर दीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इसके डायमेट्रिक व्यूज हैं। इसी तरह हम ये वाशर क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।